पहुंच गए हैं हम दीवा मंदिर में, छोटे वाले में। अभी जाने वाले हैं यहाँ से ऊपर। और ये ओ, अभी प्रकृति के बिल्कुल नज़ारे में है, देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारे हैं। और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। थकावट का कोई है निशान? फिलहाल तो अभी नहीं है। अच्छा, देखिए एकदम हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। देखिए क्या माता दी, ये विश्राम गृह पे अभी द्वारपाल हैं ये दीवा देवी के। और इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आप सभी का स्वागत है जेम्स राउत ब्लॉग में। और अभी हम मौजूद है बिरूखाल में, और बिरूखाल से हम जा रहे हैं मेलदीवा और तेलदीवा के दर्शन के लिए। तो यह ब्लॉग पूरा उसी पर आधारित होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए जेम्स राउत ब्लॉग में। और यह ब्लॉग पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो अभी बढ़ते हैं कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे और माँ दीवा के दर्शन के लिए। तो आपको दिखाऊंगा मैं बीच बीच में क्या नज़ारे और क्या क्या जगह पड़ती है, तो आप बने रहिए जेम्स राउत ब्लॉग में। तो अभी हम सिंदूरी से आगे निकल चुके हैं। सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये सिलोरी गांव है, और इसकी जो मार्केट पड़ती है मैटना घाट पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोठिला आएगा जो कि काफ़ी फेमस गाँव है, जो कि प्रसिद्ध है अपने व्यू के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नज़ारे हैं, और जो चीड़ के वृक्ष हैं, और जो हवा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सर्दियों का ही मौसम चल रहा है नवंबर दिसंबर का, क्योंकि हवा बहुत तेज़ लग रही है बाइक में। और ये जो नज़ारे हैं और जो ये जंगलात एरिया है, सीरियसली ऐसा लग रहा है ये मतलब अपनी ओर खींचता है। ये पूरी देखिए पूरी रेंज है दीवा की। तो दोस्तों अभी पहुँचने ही वाले हैं तेलदीवा में, और वहाँ जाके मैं आपको दर्शन कराऊंगा तेलदीवा के, तो किस तरह से बनी हुई है, वहाँ पे टीका लगा के आगे बढ़ेंगे अपनी यात्रा में। पहुँच गए हैं हम दीवा मंदिर में, छोटे वाले में। अभी जाने वाले हैं यहाँ से ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे बोड़ी हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं, लास्ट टाइम ही मिली थी। ये इधर है, इधर ये री, हेलो कर दो बोड़ी। हेलो हेलो हेलो। और बहुत दूर बैठे हैं स्वामी अगर। अच्छा, कहाँ बैठे? मैं तो चमोल बैठे हूँ छू, और वो बिरूखाल बैठे हूँ। अच्छा अच्छा, तो दिखा दो दोस्तों इस तरह से है तेलदीवा। ये गाइस हम पहुंच चुके हैं मैं और काकाश्री, और यहाँ पे अभी जस्ट ये मंदिर का द्वार है, दिख रहा होगा। तो अभी प्रकृति के बिल्कुल नज़ारे में है, देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारे हैं। और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। थकावट का कोई है निशान? फिलहाल तो अभी नहीं है। अच्छा, तो और कित अच्छा, और कितनी बार आ चुके हो आप यहाँ पे? मुझे याद तो नहीं है, तीन या चार बार है। तो हर बार आपको अलग अनुभव देखने को मिलता है यहाँ पे? अलग अनुभव जैसे आप लास्ट टाइम कब आए थे, जब पूजा ही थी यहाँ पे? भंडारा था यहाँ पे। अच्छा, भंडारा था यहाँ पे। और यहाँ पे वृक्ष भी काफी मात्रा में है, ये बांज के वृक्ष सारे। अच्छा, बर्फ अच्छी खासी गिरती होगी यहाँ पे, पिघलती नहीं होगी? बहुत अच्छी है। ओके, ये है बुरास का फूल, देखिए बुरास का पेड़ है, और इसका जूस भी बनाया जाता है, बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट, पीने में सेहत के लिए हानिकारक नहीं, बिल्कुल एकदम अच्छा होता है। दीवा मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, पहले एक बार आया था, काफ़ी पहले आया था, तब काकाश्री और उनकी एल्डर सिस्टर जो हमारी बुआ है उनके साथ आया था मैं। तो उस समय तो मतलब थकावट बिल्कुल नहीं थी, अभी मतलब ज़्यादा नहीं, 200 मीटर चले हैं अभी, थकावट तो बिल्कुल नहीं है। बट एक तो मौसम भी अच्छा है आज, उस टाइम पे हम गर्मियों में आए थे, अभी बसंत ऋतु का आगमन है तो आ रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों भाई चल रहे हैं, रास्ता एकदम सीधा सीधा है, और एक व्यू दिखाता हूँ आपको, क्या ही बेहतरीन जंगल है, मतलब दिखाता हूँ आपको। देखिए एकदम हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। देखिए भाई साहब ऐसे लिख रहा है कि दोनों तरफ से पेड़ों ने रास्ते को ढक रखा है, इसलिए यहाँ पे धूप पहुँचती नहीं है, बर्फ़ काफ़ी देरी से पिघलती है यहाँ पे। और ज़्यादातर जो पेड़ है बांज और बुरास की है, मोस्टली 95% यहाँ पे बांज और बुरास की ही पेड़ है। ये देखिए अभी हिरन दिखाई दिए, ये देखिए पहुंच गए हैं दीवा मंदिर, और ये देखिए जस्ट ऊपर में। और
यहाँ से जो नज़ारा है देखने लायक है, सीरियसली दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए धुंध छा रही है अभी तो, और उधर की साइड कालिंगा टेम्पल है, और ये देखो ये द्वार है, पहले नहीं था जब मैं आया था 8-10 साल पहले, तो अब काफ़ी कुछ बन गया है। जय माता दी। ये विश्राम गृह, ये देखिए यहाँ पे अभी द्वारपाल है ये दीवा देवी के, और इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कुछ चीज़ें अभी अभी बनी है जैसे गेट वगैरह, और ये नीचे बैठने की जो व्यवस्था है, शूज़ वगैरह वहाँ पे निकाल सकते हो, और ये देखिए, और ये मंदिर, ये देखिए ऐसे मंदिर है ये दीवा का, दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से मंदिर है, ये प्रतिमा बनी हुई है माँ की, जय माँ दीवा। तो फाइनली दर्शन तो हो गए हैं माता के रानी के, और आज भीड़ भी नहीं है, नए साल पे वैसे ज़्यादा भीड़ होती है, और या तो 14 अप्रैल को जब बसंत पंचमी वगैरह होती है तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर जस्ट ये है, तो अब यहाँ से नीचे चल रहे हैं, फिर उसके बाद लंच वगैरह करेंगे। जय माँ दीवा। और ये थी हमारी दीवा की जर्नी, लोग अपन लोग जा रहे हैं मैं और काका जी, तो दीवा के दर्शन हो गए, और यहाँ पे जो शांति मिली है क्या कहना चाहेंगे आप काका जी? काफ़ी शांति मिली है, यहाँ का जो एटमोसफेयर है बहुत ही बढ़िया है, और मखमली हवा चल रही है, बिल्कुल काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। वाह, तो आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आए, दीवा माता के दर्शन करें और प्रकृति का आनंद लें। तो अभी अपन लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे कहीं बैठते हैं, वहाँ पे लंच वगैरह करते हैं, ठीक है? सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो सीधा दर्शन करने के बाद ही खाएंगे, और उसके बाद दिखाते हैं आगे बिरुखाल तक जाना है, तो आज का ब्लॉग बिरुखाल पर ही जाके ख़त्म होगा। अपन लोगों ने यहाँ पर लंच करने का सोचा है, यहाँ पर किसी ने शायद चूल्हा भी लगाया था पहले, तो यहाँ पे काका जी लंच कर रहे हैं, यहाँ पे अभी लंच करते हैं, आपको बताते हैं क्या है आज लंच पे। में है गांव की फेवरेट पौधे की रोटी और चटनी। अरे वाह, देखिए लंच में आज ये है हमारे पास, और ये खाएंगे आज हम बड़े चाव से। ये देखो पौधे की रोटी, देखिए वाह, इसमें घी भी लगा रखा है, वाह बढ़िया है। और इसमें हमारी चटनी, इसमें है चटनी, चाय चटनी है वो, एक साइड हो गई। अरे वाह वाह, बहुत है इतना, इसको खाते हैं हम चाव से। ये चाचा जी कैसी है? मुझे रोटी पे लगाएंगे। रोटी पे लगा रहे हैं चाचा जी, रोटी पे लगाएंगे। एक नंबर, वाह बढ़िया चटनी बनाई है शिवानी ने, वाह। इसको अभी लगा रहे हैं, तो खा के बताते हैं कैसी है। वाह, जो स्वाद आ रहा है पुदीने का, एक नंबर, मतलब और कोदी की रोटी रस रस और घी लगा हुआ इसमें, वाह मज़ा आ गया। बंद कर। तो दोस्तों नीचे आ चुके हैं, और ये देखिए 1650 का बनाया शायद, जहाँ तक मेरे को हिंदी आती है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ से सीधा मैठना घाट रुकेंगे। यहाँ पे रेड लिस्ट से चाय, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, मैगी, ऑमलेट, छोले भटूरे, जलेबी, दाल चावल, चाउमीन और परांठा मिलता है, और इस तरह से है ये लिखा है रावत फास्ट फूड एंड स्वीट्स। ये देखिए, ये देखिए, और ये है मार्केट आपकी मैठना घाट की।